नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शहबाज अली। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बीते दिनों मनिंदगढ़ शहर में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम में नगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह हम पर चना और नमक बंद कराने का आरोप लगा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कवासी लखमा ने कहा कि पूर्व की जो भाजपा सरकार थी वह ऐसा चना बांटती थी कि उसे गरबा भी नहीं खाते थे, हम अच्छी क्वालिटी का चना बांटेंगे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सफेद झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सत्ता में आते ही हमने 2500 में धान खरीदी व बिजली बिल हाफ कर दिया है, अब प्रदेश के सभी परिवारों को 35 किलो चावल देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे नेता सभी वर्ग व समुदाय को लेकर चलने वाले नेता हैं। हमारी सरकार केंद्र में आने पर हम देश के 20% गरीबों को 7200 रुपए सालाना देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। मैं यहाँ राज्य मंत्री गुलाब कमरो के कहने से आया हूँ, मैं सिर्फ प्रचार करके चला जाऊंगा पर असली परीक्षा तो आपकी है, आपको अपनी मेहनत के दम पर यहाँ कांग्रेस को जिताना है। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछा कि आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश में पूरी तरह शराबबंदी का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम नोटबंदी की तरह आधी रात को चोरों की तरह फरमान जारी नहीं करेंगे, अभी हमें मात्र 2 माह ही हुए हैं, आगामी दिनों में इस ओर भी सभी दलों के विधायकों की कमेटी बनाकर हम कार्यवाही करेंगे। वहीं पिछले दिनों करंट विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब पिछली बार की तरह मोदी व डॉक्टर रमन सिंह का करंट उतर चुका है, पूरे देश व प्रदेश में राहुल गांधी का करंट चल रहा है, वह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, भाजपा की करनी और कटनी को लोग समझ चुके हैं। दलों को मैं बधाई देता हूं, तीनों सीट कांग्रेस पार्टी को दिया, इसी का कारण छत्तीसगढ़ में सरकार बना है। छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में राहुल गांधी साहब पहला बार एक किसान का बेटा को, भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति को, लड़ने वाला, भिड़ने वाला, जूझने वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, उसका परिणाम मिला है। छत्तीसगढ़ का जनता बम्पर पाड़ के वोट दिया, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी जनता को बम्पर पाड़ के दिया है। कर्जा माफी किया, 2500 रुपया दिया, तेंदुपत्ता का 4000 रेट बनाया, आदिवासी का जमीन बस्तर का आपस करवाया है। इसलिए पूरा उम्मीद है कि बस्तर में, छत्तीसगढ़ में 11 सीट भूपेश बघेल का नेतृत्व में, शरणदास के बात के आदेश पर, हमारे पीएल पुनिया के हुकुम पर 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। ये बयान को घुमा फिरा के आपके मीडिया के साथी लोग या बीजेपी लोग किए हैं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। मोदी का करंट खत्म हो गया, हमारे रमन सिंह का करंट खत्म हो गया, अभी कांग्रेस का करंट चल रहा है, वो करंट काम आएगा। अभी देश में मोदी करंट खत्म, छत्तीसगढ़ में रमन करंट खत्म, अभी करंट सिर्फ कांग्रेस पार्टी का, करंट सिर्फ आदिवासी लोगों का। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।